हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का हमारा यूनिट टू चल रहा था, जिसका नाम था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम लोग बेंट रूल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, इसके पहले के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं यूनिट टू के। अगर आपने 8 क्लास मिस कर दी है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नहीं मिलती है प्लेलिस्ट तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं दे देती हूँ, आप तब भी जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, कोई वीडियो नहीं भी मिलती है, तो आप लोग पैनिक मत हुआ करिए। आप लोग किसी भी वीडियो के नीचे, किसी भी पोस्ट के नीचे बता दिया करिए, मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर कर दूंगी। ठीक, इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक और यूनिट 1 को भी मैंने डिटेल में कवर करा दिए, और यूनिट 2 के 8 लेक्चर ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है और 8 बजे भी आ सकती है। ठीक, तो दो टाइमिंग आप लोगों को देती हूँ, तो आप लोग किसी भी एक टाइम पे या दोनों टाइम पे ही आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देख लिया करिए। ठीक, और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, सारे यूनिट कंप्लीट करा दूंगी, के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगी, आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी, पेपर एनालिसिस भी करा दूंगी। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और मैं आप लोगों को जितना नोट्स कराती हूँ उतना ही आप लोगों को लिख के भी जाना है, और उसी के हिसाब से आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर में मिलने वाले हैं। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो है बेंट रूल। अब ये बेंट रूल होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो बेंट रूल को, या कह सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेंट रूल। दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बेंट रूल के ऊपर, मैं क्वेश्चन ही लिखवा देती हूँ आप लोगों को पहले, फिर उसका आंसर बताऊंगी। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन बेंट रूल, बेंट रूल के बारे में एक्सप्लेन करो, या तो पूछ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन, और ये क्वेश्चन 9 मार्क्स के भी आ सकते हैं, शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन बेंट रूल। मतलब कुल मिलाकर के बेंट रूल के बारे में डेफिनेशन लिखनी है, और उसका एग्जांपल लिख दोगे तो आप सोने पे सुहागा इसका कर दोगे। तो आप वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान से समझते हुए चलिएगा हर एक पॉइंट को। आप किसी भी वीडियो को इसके बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती भी रहती हूँ आप लोग कैसे क्या प्रिपरेशन करना है। देखिए, मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया था, सिलेबस बताया था, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक बता दिया कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर मैंने आप लोगों को कराया कि सारे यूनिट को डिटेल में कवर करा रही हूँ, टाइम बहुत है हम लोग के पास, एग्जाम आएगा तो मैं एक ही दिन में 5-6 वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। बस आप लोग भी पढ़ते हुए चलिए, आप लोग ना पढ़ते हैं ना कोई कमेंट का रिप्लाई करते हैं, ना भी ये कहते हैं कि मैम अच्छा लगा वीडियो, या नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए ना कि क्या कमी रह गई, क्या किस वजह से आप लोगों को क्या टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छे से आप लोगों को टॉपिक क्लियर करा सकूं। ठीक, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, इग्नोर करती हूँ। आप जैसे ही कमेंट करेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद ही देखेंगे मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी कर दिया करती हूँ। ठीक, क्योंकि मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल हैं, तो मैं सबको पढ़ा रही हूँ। और मेरे चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर मिल जाएंगे, इसके सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक, सारे यूनिट डिटेल करा करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर पेपर एनालिसिस, सब कुछ मेरे पर मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। ठीक, इसके पहले मैंने एक पूछा था आप लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, कि आप लोग बताइए कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो किसी ने भी कमेंट नहीं किया है, तो क्यों भाई कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, आप लोग बताइए ना कैसा क्या है। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग अगर कमेंट नहीं करते ना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए हर एक कंटेंट लिख के लाती हूँ, मैंने जो पढ़ा हुआ है और जो न्यू आजकल ट्रेंड में है, जितने भी टॉपिक्स वगैरह, ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ा रही हूँ। ठीक, तो अब देख लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं, बहुत बातें हो गई। तो बेंट रूल होता क्या है, बेंट से क्या समझ में आ रहा है, बेंट का मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ या झुका हुआ कह सकते हो। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर होता है बेंट रूल का, वो ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री का होता है, जिसमें सबसे पहले ये देखिए, ये जो बेंट रूल है ये आया कहाँ से भाई, एक साइंटिस्ट थे हेनरी
हेनरी बेंट उन्हीं के नाम पे ही ये रूल बना गया था और इसका स्ट्रक्चर मेनली ट्रायंगल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर था। इसका एक एक करके हम लोग सारी डेफिनेशन वगैरह लिख लेते, जितना मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी उतना ही लिखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा बेंट रूल। अब ये बेंट रूल है क्या? सबसे पहले इट वॉज गिवन बाई, या कह सकते हो इट वॉज डेवलप बाई हेनरी बेंट। इट वॉज डेवलप्ड बाई हेनरी बेंट। हेनरी बेंट एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये हमारा लॉ है जो दिया गया था। अब इसकी मेन डेफिनेशन सुनिएगा। मेन डेफिनेशन है इन, या स्टेटमेंट भी कह सकते हो इसको, ये जो मेन डेफिनेशन है इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हो कि बेंट का स्टेटमेंट क्या होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री लोन पेयर ऑलवेज प्रेफर्स टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजिशन। पहले लिखवा देती हूँ फिर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेफर्स टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन। ध्यान समझिएगा, देखिए बेंट रूल में क्या होता है कि ट्राइंगल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री का इसका स्ट्रक्चर होता है और मेनली जो लोन पेयर्स होते हैं हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना ही पसंद करते हैं और बाकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते थे वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहते थे। जैसे मैंने आप लोगों को फ्लोरीन वाला कुछ कराया है, BeCl2 के बाद कराया, BF3 वाला या BCl3 वाला कराया हुआ है, SP और SP3 वाला कराया हुआ है ना। अच्छा उसको छोड़िए, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल कराया हुआ है SP3D में, यहाँ XeF2 को, XeF2 वाला एग्जांपल कराया हुआ जिसमें मैंने बताया था जीनोन बीच में रहता है, फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे रहता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो कुछ इसी तरीके से है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल होता है जहाँ पर हमारा लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल स्टेट पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना प्रेफर करता है क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जिसकी यहाँ पर फ्लोरीन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहता है। यही हमारा बेंट ने बताया था, यही हमारा मेन बेंट रूल यही था। एक और भी डेफिनेशन इसके बारे में लिख सकते कि बेंट रूल क्या था, तो लिखेंगे इट इज मेनली यूज्ड फॉर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री If central matter, इसको हटा दीजिए, if central metal is attached to atoms which have different electronegativity एंड कनेक्टेड टू, सब बुक की डिफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी अपनी लैंग्वेज में समझा दूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये भी लिखना ही, और अपनी लैंग्वेज में समझा दूँगी तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक, वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ लोन पेयर। देखिए मैंने बताया कि ये हमेशा ट्रायंगल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में ही बेंट रूल काम करता है। तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता था, मैंने बताया ना अभी का, इसके पहले क्वेश्चन में बताया हो कि H2O का स्ट्रक्चर हमेशा बेंट होता है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ही बेंट हो जाता है। तो हमेशा ट्रायंगल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में ये पाया जाता है जिसका सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड होता है एटम से जिसके पास अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, मतलब इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक, एंड कनेक्टेड टू द लोन पेयर जो
क्योंकि आसपास के लोन पेयर से कनेक्ट होता है, तो लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी? लोन पेयर की पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कम स्पेस है, ये पी सी एल थ्री एफ टू का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पी सी एल थ्री एफ टू, तो यहाँ पर फॉस्फोरस हमारे पास बीच में हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे हमारे पास फ्लोरीन हो जाएगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्लोरीन हो जाएगा, ठीक। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा, कि फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबल है, तो फ्लोरीन हमारा एक एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा और क्लोरीन कम स्टेबल है, या इसकी जगह पे लोन पेयर भी होता तो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता। होप आप लोगों को बेंट रूल अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोगों को इसको समझाया है। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके पहले के लेक्चर देखना चाहते हैं, आगे के और लेक्चर देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल होता है ना, तो उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल पे सिलेक्ट करने से क्या होगा कि मेरी दो टाइमिंग है वीडियो की, 6 PM पे और 8 PM पे, दो टाइमिंग है वीडियो की। तो आप लोगों को दोनों टाइमिंग से पहले, आधे घंटे पहले जब आप ऑल पे सिलेक्ट करेंगे ना, तो आधे घंटे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग को ये पता हो जाएगा कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग उसी टाइम पे देखा करिए, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे नहीं देखते हैं तो देखिए ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारे लेक्चर्स को एक साथ कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे इकट्ठा देख लेंगे, लेकिन इससे क्या होता है, बर्डन क्रिएट होता है, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग याद करोगे कि लेक्चर देखोगे, कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्या क्या करोगे। इसीलिए मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में पहले आप लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, फिर साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए। ये नहीं कि लास्ट में नोट्स बनाना है, नोट्स भी उसी टाइम बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और आप लोगों को भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए और सारे क्वेश्चन मिल सके। तो आगे जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को 2 या 3 लेक्चर और बनेंगे इसके ऊपर, फिर ये वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, 4 स्टार्ट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट है सब कुछ स्टार्ट करेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम्स स्टार्ट होने वाला है। मेनली नवंबर दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मेनली होता है तो वो दिसंबर और जनवरी तक में खिंच जाता है ये, ठीक। तो आप लोगों का एग्ज़ाम अगर पहला होता है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, मैं एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों का सब कुछ करा दूँगी, ठीक। तो और कोई डाउट होता है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक। गुड बाय, स्टे सेफ़।